हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी स्पेशल के पार्ट फोर के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीसीएस का एग्ज़ाम भी नज़दीक है और वीडियो के एग्ज़ाम में भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यह एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है? UP SSC। ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ाम्स UP SSC या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे, उसमें उत्तर प्रदेश के जो स्पेशल क्वेश्चन हैं वो ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे वो है हमारा पार्ट फोर। इसके पहले हम लोग तीन पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले पार्ट में जल क्षेत्रफल के बारे में, जिलों के बारे में, और NCR में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है जलवायु के बारे में कि उत्तर प्रदेश में बारिश किस मानसून से होती है, कौन सी जलवायु पाई जाती है। तीसरे पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है नदी तंत्र के बारे में। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले यूपी स्पेशल के प्लेलिस्ट में जा करके ये सभी वीडियो देख ले, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन करके पढ़ाया जाता हो, लेकिन सिलेबस इतना ब्रॉड है कि हम नहीं कह सकते कि टॉप 50 क्वेश्चन में से यही आ जाएगा। तो आप लोग सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लीजिए, बाकी सिर्फ हम लोग को तब पढ़ना क्या रहेगा, करंट, जो भी करंट में अपडेट होते रहेंगे वही सारे क्वेश्चन हम लोग को यूपी स्पेशल में पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट फोर यूपी स्पेशल सेंसस। ठीक है, सेंसस सिनेरियो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंसस जनगणना को शुरू करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो अगर हम लोग बात करते हैं भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो दोस्तों भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों भारत की प्रथम नियमित जनगणना हुई थी 1881 में, जो किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने। भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन को ही प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने करवाई थी पहली नियमित जनगणना। और जो हम लोग मानते हैं जनगणना की शुरुआत, वो यही मानते हैं कि भारत की पहली नियमित जनगणना कब से शुरू हुई थी? 1881 से। दोस्तों इसके बाद से हर 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, 1881 के बाद से हर 10 साल में जनगणना होती है, देखिए एवरी 10 ईयर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि स्वतंत्रता 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद जो हमारी लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। इसके बाद कब होगा? तो 2021 में होगा। कब होगा? 2021 में, 10 साल बाद। तो अगर हम लोग बात करें कि स्वतंत्रता के बाद 2011 में जो जनगणना हुई थी ये किस नंबर की है, तो 7वीं जनगणना है। कौन सी है? 7वीं। और अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखें 1881 से, तो यह 15वीं जनगणना है, जिसके अंतिम आंकड़े कब आए थे? 31 मार्च 2011 को। इस जनगणना के अंतिम आंकड़े कब आए थे? 31 मार्च 2011 को। और अगर हम लोग बात करें कि स्टेट लेवल पे कब आए थे, तो स्टेट लेवल पे आए थे 29 मई 2013। उत्तर प्रदेश स्टेट में जनगणना के अंतिम आंकड़े कब आए थे? तो 19 मई 2013 को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को कि क्या क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है अपने पार्ट वन में कि यूपी में कुल कितने जिले हैं? 71 जिले हैं। लेकिन 2011 तक कितने जिले थे? तो दोस्तों 75 जिले हैं। करंट में यूपी में कितने जिले हैं? 75 हैं, लेकिन उस समय कितने थे? 71 थे। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ेंगे वो कितने जिलों को लेके पढ़ेंगे? 71, क्योंकि ये जनगणना कब हुई है? 2011 में हुई है। ठीक है, और बाकी अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट के बारे में, तो 2011 तक कुल कितने स्टेट थे? 28 स्टेट थे। तो जो यूपी की रैंकिंग है वो उन 28 स्टेट को लेकर है। ठीक है,
ये नहीं कि हाँ हम जानते हैं कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में बनाया गया। तो इसमें जो हम आंकड़े पढ़ेंगे वो 28 राज्यों को लेकर के पढ़ेंगे, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं कि सबसे पहले जिलों की संख्या कितनी है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं 2011 तक, ठीक है। जिलों की संख्या कितनी है, 71 जिले हैं। तहसीलों की संख्या कितनी है, तो 312 तहसीलें हैं। और नगर कितने थे, 915। अगर हम लोग बात करें गाँव की, तो गाँव की संख्या कुल कितनी थी, गाँव की संख्या थी 10,000, ठीक, 1,06,774, ठीक है। कितना है, 1,06,774, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या। और अगर हम लोग सेंसस की बात करते हैं, तो देखिए सेंसस में मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो परसेंटेज बेस पे होते हैं, क्योंकि अब करोड़ों में जनसंख्या है तो कोई इतना एक्यूरेट तो नहीं याद रख सकता, इसलिए क्या पूछता है, परसेंटेज पूछता है। इसलिए हम लोग दोनों देखेंगे, नंबर और परसेंटेज दोनों को लेके चलेंगे। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश का प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए कितना है, कुल जनसंख्या कितनी है, 19,98,12,341, 19,98,12,341। कितनी है जनसंख्या, 19,98,12,341। और अगर हम लोग बात करें कि यह भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 16.51% है। कितना है, 16.51%, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुल पुरुष आबादी, ठीक है। एक बार तो हम लोगों ने देख लिया कि कुल जनसंख्या देख लिया, अब उसमें कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, और कितने 0 से 6 आयु वर्ग के लोग हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं कुल पुरुष आबादी व प्रतिशत। प्रतिशत क्या है कि जितना भी पुरुष आबादी है वो जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है। जितने भी पुरुष आबादी है वह जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए बात करते हैं कुल पुरुष आबादी कितनी है, तो ये जनसंख्या का 52.29% है। कितना है, जनसंख्या का 52.29%। अगर हम लोग देखें कि यह कितनी है, तो यह है 1,44,80,510। कितना है, 1,44,80,510। कितना है पुरुष की आबादी, तो 1,44,80,510। अगर हम लोग बात करें कि महिलाओं की आबादी क्या है और यह कितनी, देखिए अक्सर जो सिनेरियो आप देखेंगे इसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा रहती है रेदर देन महिलाओं की, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या हमेशा पुरुषों से कम होती, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लिंगानुपात है वो भी कम ही है, ठीक है। तो देखते हैं महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या है 9,53,31,831। कितना है, 9,53,31,831। अगर हम लोग बात करें यह कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 47.71%। कितना है, 47.71%। नेक्स्ट बात करते हैं 0 से 6 आयु वर्ग का जनसंख्या व प्रतिशत। 0 से 6 आयु वर्ग के कितने हैं और उनका प्रतिशत कितना है, तो देखिए कितना प्रतिशत है, 15.41%। कितना है, 15.41%। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो 3,07,91,331। कितना है, 3,07,91,331। अगर हम लोग बात करें कि कौन से जिले ऐसे हैं जिसमें इनकी संख्या हाईएस्ट है, कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहाँ पे यह संख्या बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, इलाहाबाद है। सबसे पहले कौन सा है, इलाहाबाद है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मुरादाबाद है, फिर सीतापुर है, फिर आजमगढ़ है, और फिर बरेली है। अगर हम लोग बात करें निम्नतम कहाँ पर है, 0 से 6 आयु वर्ग वाले जनसंख्या निम्नतम कहाँ पर है, तो सबसे कम कहाँ है, महोबा। एटलीस्ट देखिए आप पहला पूरा अगर पांचों नहीं याद कर सकते तो कम से कम फर्स्ट एंड लास्ट याद कर लीजिए, ठीक है। तो पहले पे भी देखिए बा है और लास्ट में भी बा है, तो हम लोग याद कर लेंगे इलाहाबाद महोबा, ठीक है, इलाहाबाद और महोबा।
इलाहाबाद काफ़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग याद कर लेंगे इलाहाबाद क्या है, बढ़ते क्रम में है, और महोबा घटते क्रम में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत, कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत। तो देख लेते हैं दोस्तों कि कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो देखिए, अगर हम लोग देखा जाए कि ओवरऑल जितनी जनसंख्या, उसमें कुल ग्रामीण राज्य की जो जनसंख्या है उसमें कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 15,53,17,278। कितना है? 15 करोड़। ठीक है, 53,17,278। अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज कितना है? 77.70%। कितना है? 77.70%। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुल नगरीय जनसंख्या व प्रतिशत के बारे में। ठीक है, कुल नगरीय जनसंख्या व प्रतिशत के बारे में, तो देखिए कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? 4,44,95,063। कितना है? 4,44,95,063। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करें तो 22.30 है। कितना है? 22.30। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि देश के कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश, ठीक है, कितने प्रतिशत है? देश में जितना भी टोटल गांव की ग्रामीण पॉपुलेशन है उसमें यूपी की जो ग्रामीण पॉपुलेशन है वह कितने परसेंट पे है? तो 18.63%। ठीक है, जो कि देश में पहले स्थान पर है। मतलब क्या है इसका? देखिए मतलब ये है कि भारत की कुल ग्रामीण आबादी में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ पर रहती है? तो उत्तर प्रदेश में रहती है। कितना है? 18.63%। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं देश की कुल नगरीय आबादी में उत्तर प्रदेश। ठीक है, देश की कुल नगरीय आबादी में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो देखिए 11.73 है, और इसी के साथ यह क्या है? दूसरे नंबर पर। मतलब सब पूरे देश में जितनी भी नगरीय आबादी है उसमें उत्तर प्रदेश में कुल कितनी नगरीय आबादी है? 11.73%, जो कि यूपी को किस स्थान पर रखा है? दूसरे, पहले स्थान पर। सबसे ज़्यादा ग्रामीण नगरीय आबादी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दशकीय वृद्धि दर में सभी राज्यों में स्थान व प्रतिशत, जो एवरी 10 ईयर में वृद्धि हो रही है उसमें जो 28 राज्य है उसमें स्थान व प्रतिशत कितना है? तो देखिए 14वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? सबसे ज़्यादा वृद्धि दर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? 28 राज्यों में 14वें नंबर पर है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 20.22%। कितना है? 20.22%। अब इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हमारा होता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है? जनसंख्या घनत्व की कितना जनसंख्या घनत्व है। अगर हम लोग बात करें नेशनल लेवल पे, तो देखिए राष्ट्रीय लेवल पे जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर हम लोग यही बात करें कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर वृद्धि की बात करें तो कितने की वृद्धि हुई है? तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 139 व्यक्ति कब से बढ़े हैं, तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जनसंख्या जो सेंसस आता है वो हर 10 साल में आता है। तो 2001 से 139 व्यक्ति बढ़, अगर आपको 2001 का डाटा निकालना है तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे और हमारा 2001 का डाटा मिल जाएगा हमें। ठीक है, अगर स्थान की बात करें तो 9वां स्थान है। ठीक है, 2011 के जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, जो ये इतने बड़े बड़े डेटा आते हैं कि हाँ करोड़ में है, लाख में है, उन डेटा से क्वेश्चन कम आते हैं, परसेंटेज से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, परसेंटेज हैं और किस स्थान पर है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात कर ही लिए हैं तो अब देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं
कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि हम लोग यूपी का सेंसस देख रहे हैं, तो जो भी जिले होंगे कहाँ के होंगे, यूपी के होंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं। देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद का, कहाँ पर है, गाजियाबाद, ठीक है। यहाँ पे 3971 है, जनसंख्या घनत्व कितना है, 3971। उसके बाद है वाराणसी, ये जो डेटा है इनको देखिए आप लोग याद करना होगा, ये जो है जनसंख्या जो डेंसिटी का है इसको आप लोग को याद करना होगा, ठीक है, कि पांचों डेटा, क्योंकि कभी कभी कूट आ जाता है, पीसीएस के एग्जाम में कूट आ जाता है। बाकी अगर आप यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या एसएससी एग्जाम्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें बस आपसे फर्स्ट एंड लास्ट पूछता है, लेकिन अगर हम लोग पीसीएस एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आता है, कूट आता है, ठीक है। तो कूट को याद कर लेते हैं, देखिए पहला कौन सा है, गाजियाबाद है, फिर है वाराणसी। अगर जो लोग वाराणसी कभी गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि वहाँ पे जगह की बहुत कमी है, वहाँ का एरिया बहुत कम है। फिर देखिए लखनऊ है, फिर भदोही है, और फिर कानपुर। कौन कौन सा है, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही और कानपुर। ये डेटा कभी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, बस ये पूछा जाएगा कि उनका स्थान क्या है। तो शीर्ष पांच हम लोग देख लिए कि सबसे ज्यादा घनत्व वाले, जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं। अब हम लोग देखेंगे न्यूनतम पांच जनसंख्या घनत्व वाले जिले जिसमें सबसे कम है, ठीक है। तो देखते हैं ललितपुर में कितना है, 242 है। कहाँ पर है, ललितपुर, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला यूपी में कौन सा है, ललितपुर। उसके बाद है सोनभद्र, फिर है हमीरपुर, फिर है महोबा और फिर है चित्रकूट। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट, ठीक है फ्रेंड। तो ये है हमारे न्यूनतम पांच जनसंख्या घनत्व वाले जिले। अगला हम लोग बात करेंगे लिंगानुपात के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या बात करेंगे, सेक्स रेशियो के बारे में। तो देखते हैं कि देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, और हाँ इसमें डेटा भी पूछता है, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए हरियाणा में सेक्स रेशियो काफ़ी कम है, तो इसके बारे में हमेशा पूछ लेता है डेटा। तो कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिन्हें हमें याद करना। अब जैसे अब लिंगानुपात में मैं आपसे ये बोल दूं कि हाँ आप सिर्फ ये याद कर लो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, नहीं, ज़्यादा के साथ आपको क्या याद करना है कि कितने हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबे डेटा तो होंगे नहीं, जो भी होते हैं प्रति 1,000 पुरुष पे होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी डेटा होगा इसी के आसपास होगा, 1,000 के 900 से लेके 1,100 के आसपास ही होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग बात करें अगर यूपी के लिंगानुपात के बारे में, तो कितना है, 912 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष। औसत कितना है, ये देखिए एवरेज है, एवरेज कितना है, 912 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष। अगर हम लोग बात करें कि कितने की वृद्धि हुई है, तो दोस्तों 14 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 14 की वृद्धि हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर जब 2001 में, इसके पहले 10 साल पहले जब 2001 में जनगणना हुई थी, तो उसमें कितने थे, 898, 898 थे, और इस बार कितने हो गए, तो 912, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हुई है, 14 की हुई है। अगर हम लोग बात करें कि एवरेज हमारा राष्ट्रीय औसत क्या है लिंगानुपात का, तो लिंगानुपात का देखिए राष्ट्रीय औसत है 943, कितना है, 943, मतलब कि नेशनल लेवल पे 943 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष पर हैं, ठीक है। जब हम लोग इंडिया का सेंसस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात के मामले में, भारत की उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है, वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से देश के राज्यों, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है। देखिए बार बार भारत आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा यूपी, इसके लिए कमेंट मत करेगा कि मैम आप भारत बोल रहे, क्योंकि यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं तो उसमें इंडिया को तो बताएंगे नहीं। तो कितने स्थान पर है, 26वें स्थान पर है, 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात के मामले में भारत उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, तो 26वें स्थान पर है। नेक्स्ट है कि शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले, ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है, जौनपुर में 1,024, कितना है, जौनपुर में है 1,024। दूसरा है आजमगढ़ में,
ठीक है। आजमगढ़ का लिंगानुपात कहाँ है? 1019 है। तो ये जौनपुर का याद रखिएगा, 1024 जौनपुर का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन सा है? आजमगढ़ का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, फिर देवरिया, उसके बाद प्रतापगढ़ और फिर सुल्तानपुर। ठीक है, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे कम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर का। किसका है? गौतम बुद्ध नगर का। यहाँ पर कितना लिंगानुपात है? तो 851 है। गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात कितना है? तो 851 है। उसके बाद है बागपत और हमीरपुर का। क्या है? बागपत और हमीरपुर का कितना है? 861 है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है कानपुर, बांदा और मथुरा। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? तो 863 है। चौथे नंबर पर है औरैया, ठीक है, ये बनारस रोड पर पड़ता है। तो यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 664। और पांचवें स्थान पर है जालौन, 865। तो इसमें हम लोग फर्स्ट और लास्ट याद कर लेते हैं। देखिए, शीर्ष पर कौन है? जौनपुर 1024, और लास्ट हमारा कौन सा है? 851 गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। अब देख लेते हैं 0 से 6 वर्ग का लिंगानुपात। 0 से 6 आयु के बच्चों के वर्ग का लिंगानुपात क्या है? तो देखिए, इनका है 902 प्रति 1000 बच्चे। ठीक है, 902 प्रति 1000 बालिका है। इसमें देखिए कमी हुई है। पिछले 10 साल पहले जब जनगणना हुई थी, पिछली जनगणना में ये 916 था, जिसमें 14 की कमी हुई है। ठीक है, और हम लोग क्या देखे हैं? अगर ओवरऑल हम लोगों ने देखा था तो कितनी की वृद्धि हुई थी? 14 की वृद्धि हुई थी। पिछले बार था 898 और इस बार हो गया था 912। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात देखिए बलरामपुर में है। कहाँ पर है? बलरामपुर में। यहाँ पर लिंगानुपात कितना है? तो 950 है। अगर हम लोग बात करें कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ है, तो बागपत। दोनों क्या है? देखिए, शिशुओं को हम लोग क्या कहते हैं? हम बालक कहते हैं। ठीक है, तो शिशु की अगर बात आ जाए तो दोनों बा बा। अगर सर्वाधिक की है तो देखिए इसमें कितने लेटर्स हैं? कुल 6 लेटर हैं। तो ये हो गया बलरामपुर सर्वाधिक और न्यूनतम बागपत। ठीक है, अगर हम लोग अनुसूचित जातियों की बात करें कि अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है, तो देखिए जाति में अगर हम लोग शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 907 है, लेकिन अगर हम लोग शेड्यूल ट्रेजरी की बात करें तो कितना है? 951 है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों का कितना है? 951 है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और जो भी डेटा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया स्पेशली, एटलीस्ट उन्हें आप लोग रट लें एकदम। ठीक है, तो और आपके चैनल पर अगर ऐड आता है तो ऐड को स्किप ना किया करें, पूरा देखा करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।